दोस्तों, क्या टप्पू सेना नल्ली छपरी और बेरोजगार है? जी हाँ दोस्तों, भेड़े तो उनको यही समझता है कि भाई ये तो कुछ काम धंधा करते नहीं है, नल्ले छपरे और बेरोजगार है। आई थिंक भेड़े के अलावा भाई ऑडियंस भी यही समझती है। तो गाइस, रीसेंट एपिसोड में ना हमें यही देखने को मिलता है कि जो टप्पू सेना आती है वो इसी सवाल का जवाब देती है, और वो भेड़े को बताती है कि उन्होंने जो गेम्स और राइम्स बनाए हैं वो उनको अपडेट कर रही थी, तो वो ये काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भेड़े कहता है कि भाई इन सब चीजों का क्या फायदा। लेकिन गाइस, अगर मैं आपको बता दूं कि शो के हिसाब से अगर टप्पू सेना ने वो गेम्स और राइम्स बनाए हैं और वो गेम्स और राइम्स टप्पू सेना की प्रॉपर्टी है, तो वो डेफिनेटली उससे लाखों रुपए कमा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, महीने के लाखों रुपए कमा रहे होंगे उनसे। लेकिन फिर भी वो ये नहीं बताते कि उनकी इनकम क्या है, ना ही भेड़े ने ये पूछी। तो यहाँ पर दिखाना चाहिए कि टप्पू सेना को इनकम भी हो रही है काफी अच्छी। और अब दोस्तों, जो स्टोरी स्टार्ट हुई है उसमें हमें भेड़े और जेठालाल की लड़ाई देखने को मिलने वाली है, जैसे कि ओल्ड एपिसोड्स में देखने को मिलती थी। हालांकि ओल्ड एपिसोड्स में तो बहुत ज्यादा कॉमेडी होती थी, लेकिन यहाँ पर कितनी कॉमेडी होती है या कितनी नहीं होती और कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है, ये हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये स्टोरी कैसी होने वाली है भेड़े और जेठालाल के बीच में? कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय जरूर बताना, और रियल टॉक को सब्सक्राइब कर लेना तारक मेहता से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए।